गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। आज हम मैथ में सर्कल समझने वाले हैं। सनलाइट और सनशाइन के जो स्टूडेंट्स है स्टैंडर्ड फोर्थ के, इन बच्चों को आज हमें सर्कल समझना है। सर्कल जो होता है उसे हम वर्तुल कहते हैं मराठी में। सर्कल म्हणजे वर्तुल, सर्कल म्हणजे वर्तुल। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहेंगे दायरा, हिंदी में कहेंगे दायरा, CIRCLE, सर्कल। अब हम सर्कल पढ़ रहे हैं, तो इस सर्कल को समझने के लिए ये जो गोल दायरा बना हुआ है, ये जो गोल वर्तुल है या वर्तुळाला मध्ये एक केंद्र बिंदू असतो, याला आपण सेंटर पॉइंट म्हणतो, याला म्हणायचं सेंटर। तर हा जो पॉइंट आहे याला नाव आपण या ठिकाणी पी देऊया। तर पी हा झाला सेंटर। पी क्या बना हुआ है? पी इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ये बन गया है सेंटर पी। अब यहां से इस सेंटर पॉइंट को पकड़कर इधर तक अगर हम इसे काटते हैं बीच में से, ये इतना हिस्सा अगर हमने मोड़ दिए तो इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये जो सेंटर वाली जो लाइन है, जो सेंटर पॉइंट से जाती है, उसे कहते हैं डायमीटर। इसे कहेंगे डायमीटर, DIAMETER, डायमीटर। डायमीटर को मराठी में कहते हैं व्यास। डायमीटर का मतलब होता है व्यास। व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर इज द लाइन व्हिच इज गोइंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड थ्रू द सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाली लाइन को हम कहते हैं डायमीटर। इसे कहेंगे हम डायमीटर। अब मान लीजिए हमने इधर ए नाम दे दिए, इधर बी नाम दे दिए, तो ये है हमारा सेंटर पॉइंट पी। तो डायमीटर हुआ हमारा ए बी, ए बी लेंथ ए बी, ऐसा एल निकालिए और इधर ब्रैकेट में ए बी लिखिए, तो लेंथ ए बी, ये हुआ इसका डायमीटर। अब बच्चों हम दूसरा और एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, वो है रेडियस। अब रेडियस बनाने के लिए वापस ऊपर के छोर से इस सेंटर पॉइंट तक अपन आते हैं, ये पी पॉइंट तक हम आ गए। तो ये जो इसका हिस्सा है, इस हिस्से में ये जो इतना पार्ट है, इस पार्ट को आप कहोगे रेडियस, RADIUS, RADIUS, रेडियस। रेडियस मायने त्रिज्या, रेडियस मायने त्रिज्या। मराठी मध्ये आपण रेडियस म्हणजे त्रिज्या असं म्हणतो। अब यहां ये जो बीच वाली लाइन निकाले, इसे अगर हम नाम देते हैं सी डी इधर, तो हमारा रेडियस कौन सा हुआ? रेडियस बना सी से लेकर पी तक, पी से लेकर बी तक, पी से लेकर डी तक, पी से लेकर ए तक। आप इसे रेडियस ए पी, यह भी रेडियस हुआ, पी डी यह भी रेडियस हुआ, पी बी यह भी रेडियस हुआ, पी सी यह भी रेडियस हुआ। अर्थात सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कल के छोर तक आने वाली जो लाइन है वो आपकी रेडियस होती है। रेडियस कई हो सकते हैं। यहां से आप इधर गए और इधर एम नाम दे दिए, पी एम या एम पी, यह भी आपका रेडियस बना। आप अगर यहां से इधर आते हो और यहां एन नाम देते हो तो पी एन, ये भी आपका रेडियस बना है। तो आपको रेडियस ध्यान में आया होगा।
अब हम पढ़ेंगे कॉर्ड, सी एच ओ आर डी कॉर्ड, सी एच ओ आर डी कॉर्ड, सी एच ओ आर डी कॉर्ड। कॉर्ड हम किसे कहेंगे? कॉर्ड सेंटर से नहीं जाता है, ये जो सर्कल है ये सर्कल से एक पॉइंट से लेकर उसी सर्कल के दूसरे पॉइंट तक आने वाली जो लाइन है, अब इसे हमने यल नाम दे दिए, तो ए यल ये बन गया आपका कॉर्ड, सी एच ओ आर डी कॉर्ड, सी एच ओ आर डी कॉर्ड। तो कॉर्ड आपके ध्यान में आया है, कॉर्ड को मराठी में जीवा कहते हैं। कॉर्ड को क्या कहते हैं? जीवा। वर्तुळाच्या दोन बिंदूंना जोडणारी परंतु सेंटर मधून न जाणारी रेषा म्हणजे जीवा। व्हाट इज कॉर्ड? कॉर्ड इज द लाइन विच टचेस टू वन पॉइंट ऑफ सेंटर टू अदर पॉइंट ऑफ सर्कल, फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ सर्कल टू अदर पॉइंट ऑफ सर्कल, द लाइन विच गोज बट नॉट गो थ्रू द सेंटर पॉइंट, दैट इज कॉर्ड। कॉर्ड मीन्स ऐसी लाइन जो हमारे सर्कल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को आती है परंतु वो बीच में से नहीं जाती है। ये लाइन ऐसे भी आ सकती है, इसे आप टी वाई भी वाई नाम दे दिए तो टी वाई ये बन गई, परंतु अगर आप ये सेंटर पॉइंट में से जाओगे तो फिर वो आपका क्या बनेगा? डायमीटर बनेगा, वो आपका व्यास बन जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए बच्चों हमने क्या क्या समझ में लिए? पहली बात हमने समझे है सर्कल, सर्कल मायने वर्तुळ। दूसरा हमने डायमीटर समझे है, उसका मतलब होता है व्यास जो सेंटर पॉइंट से जाता है सर्कल के। फिर बाद में हमने देखे रेडियस, रेडियस यह हमेशा दोनों शोर में नहीं रहता है, सेंटर पॉइंट को छूता है लेकिन वहां से आगे नहीं बढ़ता, वो हुआ है हमारा रेडियस त्रिज्या। और फिर अंत में हमने देखे है कॉर्ड, कॉर्ड मायने जीवा, जीवा ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के एक बिंदु से लेकर उसी सर्कल के दूसरे बिंदु तक आ जाए, उसे कहते हैं आप जीवा, सी एच ओ आर डी कॉर्ड। जैसे बी डी, लेंथ बी डी ये हुई यहाँ पे कॉर्ड। डायमीटर कौन सा है? डायमीटर यहाँ पर हुआ ए बी, लेंथ ए बी ये डायमीटर हुआ है। उसी प्रकार और एक हमने डायमीटर बनाए हैं, इधर एन है, इधर मान लीजिए कि हमने यू नाम दे दिए, तो लेंथ यू एन यह बना डायमीटर। डायमीटर हमेशा सेंटर से जाता है और सर्कल के दोनों शोर में टच होता है। तो इतनी ही बातें आज आपके लिए महत्वपूर्ण थी, उसे आप अच्छी तरह पढ़िए। ज्ञान की साधना।